दी एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल ने अपने परिसर में अभिभावक कार्यशाला परवरिश का आयोजन किया, जिसमें चेयरमैन कृष्ण पाल त्यागी द्वारा मुख्य अतिथि पी के पटपटिया, आर के बख्शी और सुधीर बजाज का स्वागत किया। वहीं आए हुए मुख्य अतिथियों ने माता पिता को प्रेरित किया कि कैसे माता पिता अपने बच्चों के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ये कोई जरूरत नहीं कि आप ही उसको पढ़ाएं, आप ही बोले, उसके साथ रहिए, उसको समझिए वो कहना क्या चाहता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा पेरेंट्स की, जो हमारे समाज में मैंने खाने के रूप में देखा है, वो बच्चों के सामने में झगड़ा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे की एक सेंटर होती है, उसका दिमाग बिल्कुल किले की तरह होता है, मिट्टी की तरह होता है। आप जैसे उसको शेप देंगे वैसे होता है। अगर पेरेंट्स का झगड़ा बच्चे के सामने होता है तो उसमें इंजॉयिंग करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। वहीं माता पिता ने भी वक्ताओं के साथ बातचीत की और उन्होंने बहुत सी बातें भी सीखी। बच्चों के बीच में है जो उनका रिलेशन को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि आजकल क्या है, एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है पेरेंट्स में भी, क्योंकि सबकी लाइफ काफ़ी जो है हेक्टिक हो चुकी है। पेरेंट्स का भी बिजी स्केड्यूल है और जो बच्चे हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखते हैं, सब अपने अपने काम में एंगेज रहते हैं। तो किस तरह से उनके रिलेशन को हम स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए हमारे पास 3 फैकल्टीज आई हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एक वर्कशॉप भी है हमारे यहाँ पे आज। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रेन। दिस इज़ अ पेरेंटल वर्कशॉप जिसका नाम हमने परवरिश रखा है। इसमें जो हमारे स्पेशल गेस्ट्स आए हैं वो थोड़ा सा पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि हाउ अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन शुड बी, तो उसी के लिए हमारा ये कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर हमने सभी पेरेंट्स को इनवाइट किया है। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। वहीं अंत में स्कूल प्रबंधन ने मुख्य अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। एक प्रोग्राम है जिसका नाम हमने परवरिश रखा है। इसके अंदर हमने सभी पेरेंट्स को बुलाया है जो आसपास के गांव के हैं, वो अपने जो उनके और बच्चों के बीच में गैप होता है उसको कवर करने के लिए, क्योंकि क्या है, बच्चे को अगर हम प्यार करने लगते हैं तो प्यार करते ही चले जाते हैं, बच्चा फिर गलत रास्ता पकड़ जाता है। जब उससे नफरत करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं तो गुस्सा ही करते चले जाते हैं, तो उसमें गैप काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए मेन जो इसका मोटिव है हमारा इस प्रोग्राम का, इस इवेंट का, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो बच्चा और माँ बाप के बीच में रिलेशन है वो अच्छे से बिल्डअप हो पाए और उसके फ्यूचर के लिए आगे बढ़ा जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।